सुधार हुआ है। अल्प वजन में जो वजन कम रह जाता है बच्चों का भी आपने देखा होगा, जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हुए हैं, ऐसे तीन परिवारों को यहां पे सम्मानित किया गया। अब सोचिए, 7 महीने की बच्ची है और वजन उसका बहुत कम है, एक 5 माह की और भी कम है, मुश्किल से उसका वजन 3-3.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा, जबकि स्वस्थ बच्चे का लक्षण क्या होना चाहिए? आपने देखा 6 महीने के 3 बच्चों को मैंने अन्नप्राशन का भी अभी कार्य संपन्न किया है। जब बच्चा स्वस्थ होता है चिड़चिड़ा नहीं होता है, एक जिज्ञासा होती है सीखने की, जानने की, देखने की। आपने देखा वो बच्चे मुझे कितनी गौर से देख रहे थे, एक नया उनके सामने था, वो देख रहे होंगे क्योंकि अभी तो उसने अपने कपड़े देखे नहीं होंगे, तो उसको लगा होगा कि भाई मेरे यानी मेरे कपड़े जैसा एक व्यक्ति और कौन है ये, तो आखिर अगर उसको ऐसा कुछ लगा होगा। और आपने देखा होगा उसको दिया चॉकलेट, दिया चॉकलेट को खा नहीं पा रहे थे लेकिन मुंह के अंदर डाल तो रहे थे, और जैसे उनको अन्नप्राशन के साथ जोड़ा गया स्वस्थ हैं, तो अन्नप्राशन के साथ भी उन्होंने उसी हंसते हंसते अन्न भी ग्रहण कर लिया। यानी आप देख सकते हैं अगर कुपोषित बच्चा होता तो चिड़चिड़ापन होता, अपरिचित के पास जाने से भय खाता, डरता, खाने में वहां पर वह किसी न किसी प्रकार से खाने से वह भागता, ये चीजें स्वस्थ और कुपोषित में, एक सुपोषित और कुपोषित बच्चे का अंतर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, और इसीलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। और इसमें इनमें इतना अंतर आया है, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। और इसका परिणाम कहां आया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये आंकड़े आके महिला और बाल विकास विभाग को भी देने चाहिए। इसका असर पड़ा है जो प्रदेश में किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की जो समस्या थी वो पहले नेशनल एवरेज से काफी कम थी, आज यह नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर, इसमें काफी गिरावट आई है, और मातृ मृत्यु दर, इस शिशु मृत्यु दर, कौन से शिशु इसके शिकार होते थे जो कुपोषित हैं, कौन सी माताएं इसकी चपेट में आती थीं जो कुपोषित थी, जब उन्हें पोषण आहार मिलने लग गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर कंट्रोल हुआ, मातृ मृत्यु दर भी कंट्रोल हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि यह कार्यक्रम आज किस रूप में आगे बढ़ा है। प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह, आंगनबाड़ी केंद्रों तक आज जो पोषाहार पहुंचा रही हैं, अब ये बाहर से नहीं आता है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पोषाहार वितरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया इसको सप्लाई करता था, तो मैं देख के दंग था जब मैंने उसका नाम सुना, तो मैंने कहा भी क्या इसमें क्या शराब परोसी जाती है क्या? कहा कि नहीं नहीं पोषण, भाई हमने कहा ये जो नाम आप बोल रहे हैं जिसका ये कंपनी है, ये तो कोई शराब माफिया है यूपी का, तो सब भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश की ही महिलाएं इसके साथ जुड़े, और घर की किचन की व्यवस्था से अच्छा विधायक तो मां से ज्यादा कौन जान सकता है, महिलाओं से ज्यादा कौन जान सकता है, उनको यह दायित्व तो दो। और आज आश्चर्य करेंगे आप क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, अब तक हम 157 प्लांट
क्रियाशील हो चुके हैं, इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जिस दिन सभी जनपदों में दो दो ब्लॉक खंड स्तर के बीच में एक एक प्लांट स्थापित होगा, लोकल स्तर पर ही जो एक अभियान है वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और क्वालिटी फूड हम लोकल स्तर पर देने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम, इसमें 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें भी इसके साथ जुड़ करके स्वावलंबन, इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी स्वावलंबी और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम, संभव कार्यक्रम, जिसके बारे में अभी जो कार्यक्रम चलाया गया, लगभग 1.5 करोड़ बच्चों के को इसके साथ जोड़ा गया था और इस अभियान के क्रम में अभी लगभग 2,43,000 जो तीव्र बहुत अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा लक्ष्य इसके साथ जोड़ा गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ परिवारों को सम्मानित किया है और मुझे लगता है हर मां बाप की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जो मैंने पहले कहा, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। देश और समाज की इस लड़ाई में हम सबको समान रूप से सहभागी बनना पड़ेगा और इस दिश से आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दे करके हर एक गतिविधि को उसके माध्यम से अपलोड करने का भी एक व्यवस्था दी गई है। यह कार्यक्रम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी गई हैं, जिनमें इन्फेंटोमीटर, बच्चों की लंबाई नापने के लिए स्टेडियोमीटर, बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए वेइंग मशीन, इन्फेंट वेइंग स्केल, ये बच्चे का वजन नापने के लिए, और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल, ये मां और बच्चे का वजन नापने के लिए भी, ये भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए गए हैं। इसमें तमाम अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़े गए हैं और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान के लिए 2,000 रुपये और अनुपूरक पोषाहार वितरण के पोषण ट्रैकर पर सेवाओं के अंकन के लिए इसमें 1,500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के साथ हम लोगों को प्रदेश के अंदर 19,00,000 जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को और उसकी आवश्यकताओं को बेसलाइन सर्वे करा करके जो 18 जो मूलभूत उसके संकेत है, उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, मुझे लगता है कि अगर हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम को नहीं अपनाते, तो इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कठिन था, क्योंकि बीमारी तो कुपोषित बच्चे को सबसे पहले अपनी चपेट में लेती है और यही होता था। लेकिन जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया, आज उसका परिणाम क्या है हम निश्चिंत रहते हैं। नहीं तो ये मां जो ये समय चल रहा था 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का समय, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यानी कुशीनगर गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक, ये पूरी जो बैठ थी, इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल लेकर पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कैसे आ जाए। और आश्चर्यजनक था कि कमजोर और गरीब बच्चे इसकी चपेट में आते थे तो यह
कहीं मीडिया की सुर्खियों में भी नहीं बन पाते थे, नहीं बन पाते थे। वो एक कॉलम की छोटी सी न्यूज आती थी, वहीं पे समाप्त भी हो जाती थी, लोकल स्तर पर ही समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के कार्यक्रम ने, प्रधानमंत्री जी के विजन ने प्रदेश में बच्चों की को कुपोषित से सुपोषित करने, कुंवारी कन्याओं को एनीमिया से मुक्त करने, धात्री और गर्भवती महिलाओं को कुपोषित से सुपोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसके उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पोषण माह के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसके बेहतर परिणाम अगले सर्वे के आधार पर हम सबके सामने आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।